Assalamu alaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor and very warm welcome to all our learners of English Learning course. आज हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे इंग्लिश लर्निंग कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है अगर आपसे कोई भी लेक्चर मिस हो गया है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सेंटेंस की स्ट्रक्चरल टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन वट इज अंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड प्रोवाइड को इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में वर्ड के कलेक्शन या ग्रुप को यूज किया जाता है इन्हें वर्ड्स के थ्रू एक मीनिंग क्रिएट किया जाता है और एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से ताकि वो एक मीनिंग क्रिएट कर सके अब एक सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनके मीनिंग दूसरे वर्ड्स के मीनिंग को भी डिफाइन कर सके किसी भी सेंटेंस का बेसिक यही होता है कि उसके थ्रू एक सॉलिड कॉनोटेशन यानी कि एक मफूम या मीनिंग क्रिएट करना होता है द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसिस आई डो नॉट केयर अबाउट एनी वन इट मीनस मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है ये सेंटेंस एक कम्पलीट सेंस कन्वे कर रहा है क्योंकि इस सेंटेंस में सेंटेंस के बेसिक थ्री एलिमेंट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों प्रेजेंट है इस सेंटेंस में स्पीकर एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है केयर वर्ब है और एनी वन ऑब्जेक्ट है और ये तीनों मिलकर एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट के एक्शन को वर्ब डिफाइन कर रहा है और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों डायरेक्टली लिंक्ड है ऑब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेंटेंसेस सेंटेंस के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है द सेकंड वन इज वर्ब एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज अ सब्जेक्ट। द डूअर ऑफ एनी एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन दैट कैन बी एनी पर्सन और एनिमल इज नॉन एज सब्जेक्ट किसी भी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को परफॉर्म करने वाले पर्सन को सब्जेक्ट कहा जाता है द एग्जाम्पल्स कैन बी आयशा लाइन बुई आई एंड बटरफ्लाई एक्सेट्रा अब जो अबर्व सेंटेंस में हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया था उसमें आई सब्जेक्ट है इस एग्जाम्पल के थ्रू सब्जेक्ट ये क्लियर कर रहा है कि कोई पर्सन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है द नेक्स्ट वन इज वर्ब जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो इंग्लिश ग्रामर की बेसिस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस लेक्चर को जरूर विजिट करें वर्ब आर द वर्ड्स इन एक्शन डेट शोज द जॉब ऑफ सब्जेक्ट जो वर्ड्स किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको वर्ब कहा जाता है द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब आर रीडिंग लाफिंग स्लिपिंग एंड सो ऑन सेंटेंस की एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया आई डू नॉट केयर अबाउट एनी वन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है इस एग्जाम्पल में केयर वर्ड वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंस के थ्री बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर सेंटेंस कम्प्लीट नहीं हो सकता कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता मगर उसके बगैर भी सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही रैन वो भाग गया इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है मगर स्टिल सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट एंड वर्ब किसी भी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक यूज किए जाते हैं अब इन बिल्डिंग ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होता है उसके बाद सब्जेक्ट एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है मगर सेंटेंस की फॉर्मेशन में सब्जेक्ट और वर्ब वाइटल रोल प्ले करते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होता है कुछ ऐसे सेंटेंसेज भी होते हैं जिनमें सिर्फ वर्ब यूज किया जाता है मगर फिर भी वो मीनिंगफुल होते हैं इस टाइप के सेंटेंसेज में सब्जेक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है फॉर एग्जाम्पल शटअप लेक्चर टू में हमने सेंटेंसेस की टाइप को डिस्कस किया था अब आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है इस एग्जांपल में एक सिंगल वर्ड ही यूज किया गया है जो कि वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज द थिंग ऑन विच द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट जिस चीज पर सब्जेक्ट काम कर रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट पर आता है ऑब्जेक्ट का पर्पस होता है कि वो सब्जेक्ट और वर्ब के मीनिंग को और ज्यादा क्लेरिफाई करे इसके अलावा ऑब्जेक्ट का एक ये भी पर्पस होता है कि ऑब्जेक्ट इंटरलिंक करता है किसी भी एक्शन को जो कि वर्ब के थ्रू कोई सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर टेबल हाउस जंगल स्कूल एंड रोड एक्सेट्रा जो हमने सेंटेंस की एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसमें एनी एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है ये सेंटेंस में एक सबोर्डिनेट रोल प्ले करता है लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस आर ऐड फंक्शनल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग टू वर्ब किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकल और फंक्शनल मीनिंग को ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू शो द टेंस मूड एंड वॉइस ऑफ द मेन वर्ब जिस वर्ड के थ्रू एक्चुअल एक्शन परफॉर्म किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं और जो वर्ब को सपोर्ट करता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब किसी भी मेन वर्ब के साथ यूज होता है ताकि वो बता सके कि इस वर्ब ने कौन सा टेंस यूज किया है ये किस मूड में लिखा गया है और इस वर्ब में कैसी वॉइस यूज की गई है इट ऑलवेज कम्स बिफोर द मेन वर्ब टू सपोर्ट इट जैसे कि इसका नेम ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है की ये हेल्प करता है मेन वर्ब को ताकि वो अपना मीनिंग कन्वे कर सके

इस टेंस के सेंटेंसेज में ही शी इट के साथ इज यूज़ किया जाता है एम आई के लिए यूज़ किया जाता है और वुई देयू के लिए आर यूज़ किया जाता है द लास्ट वन इज़ हैज़ और हैव आर यूज एज हेल्पिंग वर्ड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज में ही शी इट के साथ हैज़ और आई वुई देयू के साथ हैव यूज़ किया जाता है जब हम अपने टेंसेस के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को डिटेल से डिस्कस करेंगे अब सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद हम टेंसेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू फोर डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर द फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसिस द सेकेंड वन इज कम्पाउंड थर्ड वन इज कम्पलेक्सेंटेंसिस एंड द फोर्थ वन इज कम्पाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसिस सिंपल सेंटेंसेज में हम उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जो आज हमने डिस्कस किया है कंपाउंड सेंटेंसेस में टू सेंटेंसेस या क्लोजेस को कंबाइन किया जाता है जबकि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कम्पलेक्स सेंटेंसेस में कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है सेंटेंस के इन टाइप्स को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आई होप आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसके बेसिक एलिमेंट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो गई होगी इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन क्यूरी और क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर कर दें अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इंग्लिश लर्निंग कोर्स की प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करें उसमें क्रोलॉजिकल ऑर्डर में सारे लेक्चर्स शेयर किए गए हैं इफ़ यूट टू गिव एनी सजेशन दैन यू कैन राइट इट डाउन इन दमेंट सेक्चर वी विल डिस्कस देंटेंसिस लास्ट वर्ड आई टू सेवरी डे इन शाह मीट इन द नेस्ट लेक्चर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखियेगा दुआओं में याद रखिएगा